अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओरिफ्लेम बिज़नेस ऐप के बारे में गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं उस ऐप को यूज़ करते हुए, और कैसे आप अपनी टीम के अंदर जो आपके डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स को भी देख सकते हैं कि उनकी क्या प्रोग्रेस जा रही है। तो चलिए आए इसको डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले आप ओरिफ्लेम ऐप लिखेंगे, ठीक है, और ओरिफ्लेम ऐप लिखते ही आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है अभी आपको शो हो रहा ओरिफ्लेम बिज़नेस के नाम से, इसको आप क्लिक कर लें। ये वाला आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको ओपन करूँगी। आप इसको ओपन कर लें और यहाँ से अब आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना जो आपको कंपनी ने कंसल्टेंट नंबर एंड पासवर्ड दिया है उसको आपने एंटर कर लेना है, और उसके बाद आप लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन तो हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे आपको आपका नेम शो हो जाएगा और आपके पास आपका सारा ये शो करेगा पेज। फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे, ये आपको आपका पर्सनल दिस कैटलॉग, यानी कि आपने इस कैटलॉग में से कितने पॉइंट्स किए हैं। बीपी का मतलब होता है बोनस पॉइंट्स, तो मैंने 25 पॉइंट्स किए हैं तो मुझे ये शो कर रहा है 25 पॉइंट्स इन पर्सनल दिस कैटलॉग के। मुझे टोटल मेरी टीम से जितने भी पॉइंट्स आए हैं वो यहाँ पे शो करेगा ये, कि मैंने ये जो है 866 पॉइंट्स जो है ओवरऑल मेरी टीम ने कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद तू नेक्स्ट लेवल शो करेगा कि आपने 9% पे अब जाना है, क्योंकि 9% के लिए आपको 1200 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि 334 पॉइंट्स आपको चाहिए कंप्लीट करने हैं आपने, ताकि आपका 9% हो सके। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट रेट बताया जाता है कि आपने जितने भी मेंबर्स बनाए या आपकी टीम में से जितने लोगों ने जो मेंबर्स बनाए वो यहाँ पे परसेंटेज आपको शो करेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये स्पॉन्सर रेट की तरफ। ये स्पॉन्सर रेट भी होता है कि आपने कितने ज़्यादा रिक्रूट किए उसका ही परसेंटेज यहाँ पे आपको शो करता है। ओल्ड SF एक्टिविटी, और उसके बाद है टाइम लेफ्ट ऑफ कैटलॉग 9, यानी कि इस कैटलॉग में कितना टाइम रह गया है एक्सपायर होने में, क्योंकि एक कैटलॉग 3 मंथ्स तक रन होता है, तो ये 5 डेज लेफ्ट, यानी कि सिर्फ 5 डेज रह गए हैं उसके बाद ये कैटलॉग एक्सपायर हो जाएगा और हमारे पास न्यू कैटलॉग आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल्स फोर्स में चलते हैं। सेल्स फोर्स में जाकर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं एक्टिव्स और इनएक्टिव्स, ये सारे आपको शो करेगा। बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिड में जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलाइन एक्टिविटी आ जाएगी। अब यहाँ से आपने सब कुछ चेक करना होता है। सबसे पहले आप एक्टिव्स देखेंगे। एक्टिव्स में जाके ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपने करना होता है मंथ के लास्ट में भी और वैसे भी, कि एक्टिव्स में जाके आप लोग देखोगे कि कितने लोगों ने कितने पॉइंट्स किए हैं इस मंथ ओके। और इस मंथ उनके पॉइंट्स आप चेक करोगे और देखोगे कि जिन्होंने जो नियर टू 100 पॉइंट्स हैं, लाइक किसी ने 86 किए हैं या 88, जैसे ये अफरोज सिद्दीकी मान जैसे हैं, इन्होंने 88 पॉइंट्स किए हैं। तो अब होगा क्या कि इनको मैं गाइड करूँगी, इनसे कांटेक्ट करूँगी, इन्हें गाइड करूँगी कि अपना 12 पॉइंट्स कंप्लीट करके अपना सेल्स एक्शन जो ऑफ़र है उसको पिक कर ले। और उसके बाद अगर ये हबीब शैला है, इनका 142 पॉइंट्स हुए हैं, तो अगर इनकी लॉयलिटी ऑफ़र बनती है तो मैं इन्हें गाइड करूँगी कि अपने 8 पॉइंट्स करके अपना सेल्स एक्शन पिक कर लें। इसी तरह से ये यहाँ से आप लोग सबके अपने सब मेंबर्स या मेंबर्स ऑफ मेंबर्स जितनी भी आपकी डाउनलाइन की टीम है वो आप चेक कर सकते हो कि किन का सेल्स एक्शन बन रहा है, किन का लॉयल्टी ऑफ़र बन रही है, उनको गाइड करें ताकि वो अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर सकें। और किसी से आपने कांटेक्ट करना है तो इस तरह आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अभी एक ओपन हो जाएगा, उनका कंसल्टेंट नंबर शो करेगा। यहाँ से क्लिक करेंगे आप तो आपको शो करेगा कि आपने कितने क्या इनका लीडर कौन है, यानी ईमान अफरोज सिद्दीकी का लीडर है ख्वाजा फ़ारूक सईद, ठीक हो गया। अब इनको ये इनका स्पॉन्सर है और लीडर जो है वो मतलब इनके ऊपर से अपलाइन जो है वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने एक्टिविटी ओपन की है ना, तो मेरे डाउनलाइन में जितने भी मेंबर्स हैं मुझे शो करेगा। अब यहाँ से आप इनको व्हाट्सएप पे सिंपली ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउ करें और फिर इनको ऐड टू कांटेक्ट करके इनसे कांटेक्ट करके इनको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर टू फोकस ऑन पे जाएंगे। टू फोकस ऑन पे आपने इनएक्टिव्स को देखना है कि वो वाले मेंबर्स जिन्होंने 1 मंथ से ऑर्डर प्लेस नहीं किया, ये इनएक्टिव्स टू मतलब जिन्होंने 2 मंथ से ऑर्डर प्लेस नहीं किया। उसके बाद
इन एक्टिव 3 में जाके देखेंगे कि किन लोगों ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया. ये वो लोग हैं जिन्होंने 3 मंथ से कंटिन्यूसली ऑर्डर प्लेस नहीं किया. तो इन सारे इन एक्टिव्स को अगर आप लोग मैसेज देना चाहते हो या सेल्स एक्शन का फ्लायर दिखाना चाहते हो कि ये अब सेल्स एक्शन करंटली चल रहा है और आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं, तो आप सिंपल ये ऊपर जो आपको मेल का आइकन नज़र आ रहा है इसको आप प्रेस करेंगे. ठीक है, यहाँ से क्योंकि बहुत सारे हैं इसको हम व्हाट्सएप नहीं कर सकते एकदम से सबको, तो हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे. ठीक है, या आपके लेफ्ट पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ से हमने ये देखेंगे ये सिलेक्ट ऑल कर दिया. सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम इनको मेल करेंगे. अब यहाँ पे लिखा आ रहा है हमारे पास सेंड SMS और सेंड ईमेल, तो हम इसको सेंड ईमेल करेंगे. तो यहाँ से हम अपनी जीमेल में चले जाएंगे. जीमेल में जाने के बाद यहाँ पर आपने जिसको भी सेंड करना है उन सबके यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आप लिख दो सेल्स एक्शन जो सब्जेक्ट में आप यहाँ पे पहले आप अपनी ईमेल डालोगे और यहाँ सब्जेक्ट में आप लोग सेल्स एक्शन लिख दोगे. सेल्स एक्शन के बारे में आप बताना चाह रहे हो ना, तो यहाँ आप सेल्स एक्शन लिख दें. उसके बाद कंपोज ईमेल में आप फाइल अटैच करेंगे. यहाँ से फाइल अटैच कर लें, अटैच फाइल क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा और गैलरी में जाके वहाँ से आपने सेल्स एक्शन की पिक्चर को ओपन करना है. वो सिंपल यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी और फिर आपने सेंड पे क्लिक कर देना है. तो उसके बाद हम वापस अपनी ऐप पे आ जाते हैं डाउनलाइन एक्टिविटी पे. तो ये टोटल सेल्स फोर्स हमें बता रहा है कि आपकी टोटल डाउनलाइन में इतने मेंबर्स हैं, एक्टिव जितने हैं और फोकस इन पे करना है. तो इस तरह से आप अपना देख सकते हो. अब ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर चलते हैं. यहाँ पर आपको बताएगा कि टोटल रिक्रूट्स और स्टार्टर्स कितने हैं, यानी आप और आपकी टोटल टीम से कितने लोगों ने मेंबर्स बनाए हैं, न्यू कंसल्टेंट्स को ज्वाइन कराया है. ये सारा यहाँ पे रेट शो करेगा कि इतने हो गए हैं और इतने स्टार्टर्स हैं. स्टार्टर्स वो होते हैं जिनको हम न्यूली ज्वाइन कराते हैं और फिर जब वो अपने 100 पॉइंट्स पूरे करते हैं तो फिर वो रिक्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हम फिर उसको कहते हैं क्वालिफाइड रिक्रूट. तो यहाँ पर आपको स्टार्टर्स शो करेगा 0 to 1 से. ठीक है, और यहाँ पे जितने भी टोटल जैसे 30 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है आपकी टीम को और उसके बाद सिर्फ 2 या 3 क्वालिफाइड रिक्रूट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपको 27 पे फोकस करना है और उनके 100 पॉइंट्स कंप्लीट करवाने हैं. उसके अलावा यहाँ पे वेलकम प्रोग्राम 1 है 2 है और 3 है. जितने भी कंसल्टेंट्स वेलकम प्रोग्राम 1 क्वालिफाई कर चुके होंगे वो आपको यहाँ शो करेगा और यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा कि इस मंथ आपके इतने सारे वेलकम प्रोग्राम 1 पड़े हैं लोगों के जो जिन्होंने अपना पिक करना है. तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि आप अपना वेलकम 1 पिक कर लें, वेलकम 2 का और वेलकम 3, इसी तरह से वो शो करेगा. तो इस तरीके से आप अपना सारा कुछ देख सकते हैं. और यहाँ पर आकर लास्ट ऑप्शन पे आकर आप यहाँ से सर्च कॉन्टेक्स्ट में जाकर किसी भी मेंबर को का अगर आपको सिर्फ नाम आता है, कंसल्टेंट नंबर देखना है या तो या फिर कंसल्टेंट नंबर आता है और नाम देखना है, तो आप सर्च कॉन्टेक्स्ट में जाकर यहाँ से टॉप पर तो यहाँ पर आपको टॉप पर जाकर सर्च कर लेना है. तो उसके बाद आप रीसेंट ऑर्डर्स में जाकर रीसेंट ऑर्डर्स देख सकते हैं कि किन लोगों ने रिसेंटली ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और किन किन लोगों के ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं. आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि किन किन लोगों के ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं और फिर आप उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्यों ऑर्डर कैंसिल हुआ है और फिर उनकी हेल्प कर सकते हैं. आप उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से उनका करेक्टली ऑर्डर प्लेस होगा. न्यू जो स्टार्टर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, तो आप जितना अच्छा से गाइड करोगे उतना ज़्यादा वो वर्किंग अच्छी कर सकेंगे. नोटिफिकेशंस में जाके नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं. आपको सारी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहेगी कि कौन से किस मेंबर ने ऑर्डर प्लेस किया है और क्या किया है, ये सब कुछ. तो अब भी ये देखेंगे, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इस तरह से आप ऑन कर लें. जो जो आपको चाहिए, जो जो नोटिफिकेशन आपने ऑन करनी है आप यहाँ से जाके ऑन करें. उसके बाद सर्च कॉन्टेक्स्ट का मैं आपको बता रही थी कि सर्च कॉन्टेक्स्ट में जाके आपने कोई भी कंसल्टेंट को सर्च करना है तो आप यहाँ से उनका कंसल्टेंट नंबर टाइप करेंगे तो आपका नाम आपको नाम शो हो जाएगा. अगर आपने ये देखना है कि वो कराची साइड से है, सिंध साइड से है या पंजाब साइड से है, तो आप सिंपल यहाँ पे कराची लिखेंगे तो जितने भी मेंबर्स कराची से होंगे वो सारे कंसल्टेंट नंबर आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा. इसके बाद अगर आप लाहौर के देखना चाह रहे हैं तो आप लाहौर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको लाहौर के सारे शो करेगा
ये सब लोग वो हैं जो लाहौर की यानी कि पंजाब साइड से रजिस्टर हुए हैं। इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो ये था जी आज का टोटल गाइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को, ताकि आपको साथ साथ वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।